ब्रेक के बाद घटनाचक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। एक आंकड़ा सामने आया है जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो मेंबरशिप बनाने का अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था और ये तय किया था कि 26 जनवरी से पहले पहले वो 1 करोड़ लोगों को अपनी पार्टी का सदस्य बना लेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि जब से सोमनाथ भारती का पूरा मामला सामने आया, दिल्ली के जो कानून मंत्री हैं और जिस तरह से उनके समर्थकों और वो जो है कुछ महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव आया और फिर हुड़दंग हुआ, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद 17 तारीख के बाद ये एक आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख के बाद अब पार्टी भी यानी आम आदमी पार्टी भी इस बात को मानने लगी है कि जो सदस्यता अभियान है उस पर असर पड़ा है। पहले जो ये कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर लोग सदस्य बन रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग डेली सदस्य बना करते थे, लेकिन अब वो संख्या धीरे धीरे घटने लगी है और कहा यह जा रहा है कि 30,000 पर यह आकर के घट करके सीमित हो गई है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी का जो जलवा था, आम आदमी पार्टी का जो भाव है वो अब गिरने लगा है, असर उसका कम होने लगा है जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं और लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ असर नजर आएगा, इन पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। रमन, आप ही से सबसे पहले। मैं ये आम आदमी का जलवा नहीं बोलूंगा, ये आम आदमी पार्टी का हलवा है। आप इनके सदस्यता अभियान को या आप इनके रहशुमारी को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं। जब इनकी रहशुमारी हुई थी तो एक ही फोन से आप हां और ना में दोनों में जितनी मर्जी चाहे वोटिंग करा सकते थे, तो ये सारा फज था। अगर जो रॉ डेटा योगेंद्र जी और ये सारे चिल्लाते रहते हैं देखेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जनता के साथ कितना धोखा करा है। उस उन्हीं धोखों की फेरिस्ट में ये सदस्यता अभियान भी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे पास ऐसे तथ्य आए हैं कि मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबको सदस्यता नंबर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या बेवकूफ बनाने की कोई हद होती है या नहीं होती है? मतलब आपके आप कितना फर्जीवाल करेंगे इसके अंदर? जब देखो हर बारी नया, मतलब आप किसी को मेंबरशिप देंगे उसमें कोई तथ्य कोई चीज देखने की जरूरत नहीं करेंगे और अलॉट कर देंगे मेंबरशिप। क्या हो रहा है ये पहले जनता... पहले जिस तरह से ये था कि एक फीस थी और उसके बाद उसमें से आप टेस्ट करिए, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि एक आईपी एड्रेस से एक एक इंसान की दसों बनी हुई है, एक ही आईपी एड्रेस से गया हुआ है डॉक्यूमेंट। ये क्या दिखाता है? ये आपको सिर्फ ये दिखाता है, जैसे आपको अगर याद हो कुछ टाइम पहले फेसबुक और ट्विटर की लाइक्स के लिए कॉन्ट्रोवर्सी उड़ी थी कि जी गहलोत साहब की और अजय माखन जी की कि टर्की और कहीं कहीं से आए हुए थे लाइक्स, वैसा ही कांड ये है। इसमें सिर्फ ये है कि सब जितनी मेंबरशिप है ये सिर्फ एक नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया है, इसमें लोग बैठे हुए हैं और वो एंट्री कर रहे हैं कॉल सेंटर की तरह और कुछ नहीं है ये। नहीं, लेकिन वो अपना फाइनेंशियल डाटा रिलीज करते हैं, उनको चंदा मिल रहा है, तमाम चीजें। आप चंदा मिलने का आईपी एड्रेसेस देखिए ना क्या है, आपको सब पता लगेगा कि क्या चल क्या रहा है उनके। ये एक बड़ी साजिश है अराजकता फैलाने की, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। आप एक तरफ से कांग्रेस और बीजेपी और बाकी तमाम पार्टियों को बेईमान बोलते हैं। तो कानूनी रास्ता अपनाने में क्या जो है परेशानी है बीजेपी को कि उसके जब इस तरह की साजिश? हमने तो बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो अपने आप के लिए माननीय लगवाना शायद पसंद ना करें क्योंकि वो अपने आप को एक अराजक तत्व कहलाते हैं। नहीं, लेकिन लेकिन शमन साहब हम आपके पास आएंगे, एक मिनट इसको कंप्लीट करने दीजिए। पॉइंट इतना सा है कि वो हर बार एक परपेचुअल लायर की तरह, एक हैबिचुअल लायर की तरह कथनी और करनी का फर्क दिखाते रहे हैं अपना। नहीं, कथनी और करनी का फर्क तो यहां दिख रहा है। क्या आप कह रहे हैं आप कर नहीं रहे हैं? अंजल भाई, हमने आपने अगर आपको याद हो
कि जब ये पूरा कैंपेन चल रहा था इनका वोट मांगने का, इन्होंने रामदेव जी के साथ भी उससे पहले जब अभी आप पार्टी बनी नहीं थी तब 370 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन दी गई थी शीला दीक्षित के अगेंस्ट। आज जब हमारे जो हमने नॉमिनेट करा था हर्षवर्धन जी को, उन्होंने जब इनसे बोला कि आप शीला दीक्षित के अगेंस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं एक्शन, तो बोलते आप हमारे को सबूत दीजिए। तो जो 370 पेज का सबूत आप बाबा रामदेव के साथ देकर आए थे उस टाइम झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। शमुन साहब कैसे देखा जाए जो ये बात कही जा रही है, ये बात उभर करके सामने आ रही है कि कुछ कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी का जो एक दबदबा तेजी के साथ जो पार्टी उभरी थी अब शायद वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए, आपको मैं ये तो जरूर कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, और अगर ये चेंज नहीं लाएंगे तो ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, उसे पार्टी की हैसियत आप निकाल दीजिए। आम आदमी इस बात से दुखी था जो वीआईपी कल्चर बन गया था, और वो लोग आए जैसे अभी अरविंद ने एक स्टेटमेंट में ये कहा, नहीं, अभी ये कि हमने इनका आए हैं, नहीं हमने इनका तरह के आंकड़े हैं कि 16 जनवरी तक हर रोज ये कहा जा सकता है कि 1,00,000 से ज्यादा लोग सदस्य बन रहे थे, लेकिन 17 के बाद जब से पूरी घटना हुई है तमाम चीजें आई हैं सामने, उसके बाद से वो रेशियो घट करके 30,000 तक पहुंचा है। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो बहुत न्यूट्रल आदमी हूं, मेरा कोई उनसे विरोध इस माने कर नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो स्टेप उन्होंने पिछले दिनों लिए हैं, जैसे उन्हें सबसे पहले तो उन्होंने पहली गलती ये की कि 182 सभाओं में उन्होंने बिन्नी का नाम लिया, उसके मॉडल को सराहा और उसका जगह जगह नाम लिया कि ये ईमानदार आदमी है और इसने ऐसे ऐसे, क्योंकि वो पहले पार्षद रहा है, उसके बाद उसका मंत्री परिषद में शामिल न करना और उसका विरोधी हो जाना, उसका बगावत कर देना, ये उसे बजाय उसे रोकने के फिर वो पार्लियामेंट की सीट मांग रहा था, इन्होंने कहा कि ये लालची है। पहली गलती तो इन्होंने ये की कि उस अपने असल में नाराजगी की एक वजह मैं आज आपको बता दूं कि मैंने उस वक्त भी अरविंद से कहा था कि अरविंद के अंदर असल में आंतरिक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो पब्लिक इसलिए नाराज हो रही है, इसीलिए हो रही है। और पब्लिक तो असल में इन्हें दोनों को ठीक करने के लिए उसके साथ आई है। सही बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज अगर ये दोनों लोग अपनी पार्टियों में अगर अपनी बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं को जाके ये बात कहने में अगर सक्षम है, मैं दोनों अपने साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये चेंज लाए तो आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। आम आदमी इस वक्त अपने आप की हैसियत बता रहा है कि हमारी हैसियत यह है कि हम तुम्हें सड़कों पे भी ला सकते हैं और तुम्हें ऊपर भी बैठा सकते हैं। और यही बात अगर अरविंद करता है, मान लीजिए देखिए जैसे सोमनाथ का मामला आया, तो सोमनाथ को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को उसे हटाना चाहिए था, इसलिए कि उसने मंत्री परिषद की गरिमा के खिलाफ जाकर के, और वो भी उन लोगों के साथ, क्या योगंडा का एक सफीर, अपना योगंडा का एम्बेसडर ये कहता है कि क्या 21वीं सदी में हम सोच सकते थे कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव होगा, ये नस्ली भेदभाव हुआ, वो अफ्रीका के लोग हैं जो यहां रह रहे हैं, हमारे मुल्क की तहजीब ये नहीं है कि हम किसी के कल्चर को जाकर के उसके ऊपर आक्रमण करें। यकीनी तौर से जो लोगों ने समझा है जिसकी वजह से ये कम हो रहा है, ये लोगों को समझा ही नहीं पाए, लोगों ने ये बात को समझा इस बात को उल्टा लिया। पब्लिक जो है जो आम आदमी पार्टी के काम करने का फिलहाल का जो तरीका है उसको समझ रही है। नहीं देखिए, पब्लिक ये बात असर क्यों पड़ रहा पब्लिक है? देखिए पब्लिक पे असर यूं पड़ रहा है ना कि वो ये समझ रहे हैं कि ये अब ये गलती कर रहे हैं। पब्लिक ने अगर बीजेपी और कांग्रेस को ठीक किया है तो पब्लिक आम जनता को भी ये संकेत दे रही है कि देखिए आप जो ये समझ रहे थे हम तुम्हारी खूबियों की बिना पर तुम्हारी मेंबरशिप यानी तुमसे इसलिए जुड़ रहे थे कि तुम एक अच्छा काम करोगे, मगर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें भी सचेत कर रहे हैं कि तुम्हें सचेत कर रहे हैं इस बात के लिए बाखबर कर रहे हैं कि अपने आप को अपने किए हुए वादे पूरे करिए। उन्हें सबसे पहले काम यह करना चाहिए था। अब एक मुख्यमंत्री, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद से, मुझे हैरत है कि अरविंद एज ए मुख्यमंत्री के दो कांस्टेबलों को, दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंशन के लिए बैठता है और उसके बाद जो है एलजी बुला करके एलजी के साथ इनके साथी जाकर के खाना खाते हैं, लंच करते हैं, वहां सेटिंग होती है और वो कह देते हैं कि साहब मैं और ज्यादा तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उन्हें छुट्टी पर भेज रहा हूं, ये उसके लिए राजी हो जाते हैं। वो आदमी जो ये कह रहा है कि 10 दिन तक मैं यहां बैठा रहूंगा, वो कमिटमेंट करता है, ये मुख्यमंत्री की बात है। मैं अरविंद केजरीवाल जो एक क्रांतिकारी अपने आप को और आंदोलनकारी मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी अपने साथी की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि जब तुमने कमिटमेंट किया था 10 दिन बैठने का तो तुम सस्पेंशन से पहले उठे कैसे? इसलिए जनता इन सारी चीजों को देख रही है। मैं भी अपने आप को यह बता रहा हूं कि एक आम आदमी की तरह मैं उसे सिद्ध कर रहा हूं। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, करप्शन इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। 60 साल में जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे और थर्ड फ्रंट की रही हो, लेकिन करप्शन धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच चुका है।
और उसी करप्शन से त्रस्त होकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया आपका बिग हाउसेस जो है वो किसी की इमेज बनाने में बिगाड़ने में बड़ा बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और ये जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं उनके हाथ में मीडिया है, तो वो अपने तौर पे इस टाइप की सब मीडिया मीडिया तो अपना काम कर रहा है। देखिए ये चीज उभर रही है, किसी चीज को अच्छे और बुरे तरीके से कई काम कर रहे हैं मीडिया। देखिए अगर ये लोग अच्छा काम करते तो मीडिया जो है ये बाहर हो जाते सत्ता से। मेरी बात सुनिए, देखिए क्या बात कर रहा है, अगर यही काम वो करप्शन को रोकने के लिए शुरू करता है, खाली इसे मीडिया को नहीं कह सकते, ये कहिए कि करप्शन इनके रगों में घुस गया था। आप क्या बताएं अरविंद, हम जब लोग रामलीला ग्राउंड से कहते थे, एक सेकंड देखिए इधर साहब, जब हम लोग ये कहते थे तो मुझसे एक बड़े आदमी ने ये पूछा कि जरा मैं वो बात यहां और निकाल तो नहीं कहना चाहता, तो मैंने एक बात महसूस की कि पानी कहां मरता है, जहां गहरा होता है। जब खड़े होकर के आज की एक बात मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने शिंदे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने थाने जो है वो पैसे लेकर के देते। अगर शिंदे अगर सुशील कुमार शिंदे वाकई साफ होते तो वो आते और खड़े हो जाते वहीं तमाम मीडिया के सामने कि अरविंद केजरीवाल एक सबूत ला के दो, अगर वो सही होते। नहीं कहा अरविंद केजरीवाल, ये नहीं आना चाहिए था उन्हें। नहीं नहीं कहा, आज आज ये डेमोक्रेसी है, नहीं कहने से कुछ नहीं होता, नहीं बोले पर आगे खड़ा होना चाहिए। बोला कि एक भी सबूत शिंदे जी ने कहा है, कहा कैसे, इदरीस साहब वही आना चाहिए था उन्हें। नहीं मैं एक बात ये कहता हूँ, अगर अगर अरविंद केजरीवाल ये कहे, इदरीस साहब ये कहे, तो इदरीस साहब के घर जाके मैं कहूंगा हमारे हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफ है, तो यहाँ लड़ाई थोड़ी होती। नहीं नहीं ऐसी नहीं, वो राजा नहीं है। देखिए एक आदमी इसी तो राजा, इस राजा मिजाज को वो गया, एक आदमी उसको पिटपिटा दिया वहां पर। नहीं नहीं वो कह के लिए गया था, वो तो वहां वो जो गए वो तो चमचागिरी कर रहे हैं, किसी जैसे हमारे जो है टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां गुस्सा होता है, देखिए जहां गुस्सा होता है वहां साहब ने गुस्सा नहीं, ऐसा है हमारे लोग, देखिए हमारे जो हमारे वॉलंटियर थे वो इतने इतने सभ्य थे, ये तो यहां आकर के वायलेंस की तरफ उतरे, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उकसाया, गलत किया। मगर मैं आपसे ये बता रहा हूं, हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए, अगर ये मंत्री ठीक हैं तो खड़े होकर के ये कहते कि मैं आ जा रहा हूं। मीटिंग में कहा है उन्होंने, बोला है कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत आता है तो मैं उसे करने को तैयार हूं। ऐसी कोई बात, सवाल यही है कि जो एक परिवर्तन चाहती थी जनता, अगर इस तरह की स्थिति पैदा होने लगी है और आम आदमी पार्टी का जो एक दबदबा था वो कमजोर होना शुरू हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पहले थी, जो करप्शन पहले था और जिसको कम करने की बात की जा रही थी, देश में एक बेहतर सुशासन की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोर होगा? देखिए आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। शायद पहले जब बिनी साहब ने बोला था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो उन्हें चुप कराया गया था, फिर अलग अलग तरीके की बातें निकली थी कि इतने पैसे गए और ये हुआ और वो हुआ, या ये कहा गया है और वो कहा गया। मैं उन अफवाहों में नहीं जाता, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बारी ये हुआ तो सत्य सामने निकला। सत्य सामने ये निकला कि अरविंद जी ने बोला कि बिन्नी जी मेरे पास आए थे मांगने, मैंने नहीं दी तो वो नाराज हो गए। उस टाइम उन्होंने बोला कि जी वो उससे ज्यादा साफ आदमी कोई नहीं है। तो उस इंसिडेंट के बाद जो सत्य सामने निकले बिन्नी जी के द्वारा, क्योंकि वो शायद सत्य ही हो, मैं ये नहीं बोलता कि 100% वो होंगे, लेकिन मेरे को ये जो पूरी प्रकरण है उसके बेसिस पे मैं ये अनुमान लगा रहा हूं, वो ये बोलते हैं कि इनका और संदीप दीक्षित जी का बहुत गहरा संबंध है और वो आपस में बहुत मिलके चलते हैं। मैं मान साहब बैठे साथ में, शायद उन्हें ही सबसे ज्यादा पता हो कि वो क्लेरिजिस की जो मीटिंग हुई थी जब अन्ना अनशन पे बैठे थे, उसमें ये जो चार चौगड़ी गई थी उसने ऐसी क्या खीर बनाई थी उसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ, वो भी एक बात विषय सोचने का है। मैं आप सही कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित जी उस वक्त उनके एक सेक्रेटरी हैं, वो वहां आए थे और उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहा था समझौता कराने में। तीसरी इसे ये नहीं कहा जा सकता, इसे देखिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, बहुत सारी हमारे पर्दे के पीछे होती हैं, हमारे को नहीं पता उसमें, लगता उसमें नाना वो देशमुख जो हैं, देशमुख तो का रोल रहा। मैं आगे आगे उससे बढ़ रहा हूं, तो पॉइंट ये है कि ये कांग्रेस के सपोर्ट से आज तक बोलते रहे कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, बीजेपी का नहीं लेंगे, ना देंगे ना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें भी बकायदा बतेरे झूठ बोले गए। लेकिन उसके बाद आए कहीं पे, शायद मैंने एक पढ़ा था सिब्बल साहब का, किसी टीवी चैनल पे या किसी पे कोट कर रहे थे कि वो एक उन्होंने ट्वीट करा था कि जी
बीजेपी 31 या 32 होते हुए चार नहीं मैनेज कर पाई और हमारे 8 होते हुए हमने 28 मैनेज कर लिए। मैं यही समझता हूं कि ये कांग्रेस के इशारों पर चलने वाला पुतला है जो चल रहा है, और कांग्रेस की छवि सुधारने के लिए ये बुरे से बुरा काम करके दिखाएंगे ताकि बोले चलो कांग्रेस कुछ तो अच्छी थी। नहीं, तो सवाल यही है ना कि आखिर क्या लोग इस चीज को समझने लगे हैं? लोग समझने लगे हैं, और लोग, मैं कल या परसों की बात है कि एक गाड़ी के पीछे स्टिकर देखा था कि उसमें उसका मूल भाव यह था कि अरविंद सुधर जाओ, हमने तुमको इसलिए नहीं भेजा। तो जनता का जो रोष है वो ये है कि हमने तो तुमको दुरुस्त करने भेजा था लोगों को, तुम तो उससे बड़े पापी निकले। तो ये कर कर रहे सीएम, सीएम की कुर्सी, एक मिनट साहब, सीएम की कुर्सी एक संवैधानिक पद है, संविधान के साथ छेड़छाड़। आपने पहले बोला हम संविधान की इज्जत नहीं करते ऐसे, उसके बाद आप संविधान ने पद को लेते हैं और उसकी इतना तार तार कराए। क्या आप कोई भी ये कर सकते हैं कि एक सीएम जाके इस तरीके की अभद्र भाषा, अभद्र चीजें करे? ठीक है, ठीक है जी, निश्चित रूप से भाषा जो है मैं उसके खिलाफ हूँ, किसी को भी गलत तरीके से या अच्छी बुरी उसे अल्फाज से नहीं नवाजना चाहिए, ये बहुत गलत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जिसने भी किया हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो मोदी जी का ग्राफ आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जीतने से गिरा था, उसको अपना बनाने के लिए ये इस तरह का माहौल पैदा करा जा रहा है कि भाई ये सब मिलकर ये लोग काम कर रहे हो और फेल करना चाहते हैं। भाई अगर आपका अच्छाई का काम है, मोदी जी का ग्राफ, तो फेल कौन कर रहा है? नहीं, आपका अच्छा काम है, आपकी नीतियां अच्छी हैं, आपका विकास का मॉडल बहुत अच्छा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं पता चल जाएगा, जो आंकड़े पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं, उनके लिए इतना डर ही हो रहा है। 1 लाख हर दिन आदमी बन रहा था, 16 तक ये सिलसिला चला है, लेकिन 17 के बाद जब से ये घटनाएं हुई हैं उसके बाद चंदा भी कम हुआ। वो तो आप, मैं कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है ना, मीडिया इस तरह से चीजों को पेश करता है कि चीजों को खराब, आदमी का चेहरा खराब हो जाता है। अभी जुमा 8 दिन हुए, मीडिया जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी आदमी को जब आपने समर्थन दिया है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। क्या आला कमान का दत्तक पुत्र है केजरीवाल? भाई किसी का दत्तक पुत्र नहीं है, लेकिन जनता ने उसे समर्थन दिया है तो हमें कुछ आपको डर तो ऐसे हो रहा है, और 2-4 महीने 4 महीने देखने के बाद फिर उस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्यों 2-4 महीने देखना चाहिए? ताकि आपका प्लान आ जाए काम में कि जी 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ये सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, तो हमारा तो सेफ्टी इंश्योरेंस पॉलिसी चल गई, निकल गई। भाई हमारा आया किसी का मतलब नहीं है, देश में अगर चुनाव हुए हैं, जिस तरह के आप जिस तरह का माहौल चाहते थे, सोल्यूशन क्या अंदर साहब? आप 31 सीटें 32 सीटें लेके सरकार नहीं बना पाए, इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जब निकल के आई तो उससे, जैसे इस वक्त का क्या हालात ये हैं कि बीजेपी को उससे नुकसान महसूस हुआ, तो इसलिए, और उन दोनों पार्टियां जो आम आदमी और कांग्रेस का, दोनों का जो अलायंस हुआ, तो उसमें एक स्वाभाविक चीज थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा क्या हम कांग्रेस का समर्थन ले सकते हैं, तो जनता ने जब ये कहा कि ले सकते हैं तो उसने लिया, इसमें सच्चाई है की बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। इसमें जो इनसे गलती हो रही है वो ये हो रही है कि इन्हें जो मुद्दे हैं जनता के उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने बिजली के रेट कम कर दिए, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं वो हो जाएंगे, करने चाहिए, अगर नहीं करेंगे 3 महीने के लिए सही, अगर नहीं करेंगे तो धड़ाम से नीचे आएंगे, इसलिए कि जनता इनसे, इनके रिजाइन करने का इंतजार नहीं करेगी। जनता सड़कों पर, जैसे अभी आपने कहा ना कि स्लोगन लिखा हुआ था कि अरविंद सुधर जाओ वरना हमने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा, यकीनन। और ये भी आपको बताएं कि जो हम राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की बात करते थे, हम इन्हीं से शुरुआत कराएंगे। और अभी अरविंद ने एक बात कही थी कि अगर हमें अहंकार पैदा हो जाएगा तो एक नई पार्टी आएगी। अभी हम सारे आंदोलनकारी, नतीजा किस चीज का? देखिए हम आपको बताएं, देखिए इस देश को हम खराब नहीं होने देंगे। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि मैं पूरे इस एक हफ्ते से इस पूरे घटनाक्रम पे हम नजर बनाए हुए हैं, सारे लोग, चाहे वो जनरल साहब हो, चाहे संतोष भारती हो, अन्य हमारे जितने कार्यकर्ता थे, हम सब लोग इसके ऊपर, हमारी सब पे डिस्कशन चल रहा है कि अगर ये लोग, जैसे हमारे पूरे आंदोलन का इन्होंने इस्तेमाल किया है, हम इस आंदोलन को रायगा नहीं जाने देंगे। और फिर
हम दोनों बड़ी पार्टियों को यह कहेंगे, हम ये नहीं कहना चाह रहे हम उन्हें सत्ता से नहीं हटाना चाहते, हम उनसे ये कहना चाहते हैं जैसे मलिक साहब है अच्छे आदमी है, रमन साहब को उन्होंने मौका दिया अच्छे आदमी है, और जो अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में उन्हें लाइए जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है, चलिए उन्हें टिकट मत दीजिए तो खुद ब खुद व्यवस्था ठीक हो जाएगी। समय खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपका, रमन साहब आपका, शमुन साहब आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।